हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला तोरण बॉर्डर डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। ये हमने कलर लिया है ऑरेंज येलो, और ये डार्क ग्रीन कलर है हमारा, और ये चोटी वाला डिज़ाइन हमने डाला है इसमें। तो ये हमने किस तरह से डाला ये बताएंगे। इसकी स्टार्टिंग में हमने दो राउंड डबल क्रोशिया किए हैं। 11 चेन ली थी हमने, 13 चेन ली थी, इन 11 डबल क्रोशिया लिए हैं, और उस 11 डबल क्रोशिया के लिए 13 चेन चाहिए। वहाँ से स्टार्ट किया दो राउंड के बाद, थर्ड राउंड में हमने ये डिज़ाइन डाला है, और अब आगे बताएंगे हमने कैसे डाला है। ये स्टार्टिंग में 3 चेन लेनी होती है, वो हमने ले ली हैं, और ये 2 डबल क्रोशिया इधर हैं और 2 डबल क्रोशिया इधर बनाए हैं, और 3 डबल क्रोशिया बीच में 3 डबल क्रोशिया हैं, साइडों में 2-2 हैं। तो ये हमने बना लिए 2 साइड के। अब हम कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज हमारे रॉन्ग साइड में ही होगा, ये देखिए, इसलिए कलर चेंज हम रॉन्ग साइड में कर लेंगे। इसको टाइट कर लेंगे, और यहाँ पर हम 2 पफ बनाएंगे, 5 टाइम एक पफ बनेगा। वन टू थ्री फोर फाइव, ये 5 टाइम हमारे पास बन गए। इसको हम इसमें से निकाल दें। अब हमने एक चेन ले लिए, इसके बाद हम दूसरा पफ बनाएंगे, यहीं पे डालेंगे हम, इसी में यहाँ पर डाल के ही बनाएंगे। ये भी हम 5 टाइम बनाएंगे, 3 4 5, ये दोनों हम 5 टाइम बना लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारे पग बन गए हैं, 2 पग बन गए हमारे। अब हम कलर चेंज करेंगे बैक साइड से ही, बैक साइड से ही हो जाएगा, और इसको हम बैक में ले लेंगे इस तरह से। अब हम बीच वाले 3 डबल क्रोशिया हैं ग्रीन कलर के, इनको बना लेंगे। और ये जो येलो वाला धागा है इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे इधर। अब हम आगे के बना लेंगे, ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद कलर चेंज होगा एक चेन के बाद। बैक साइड में ही छोड़ना है इन्हें, और वापस से हम 2 पफ बनाएंगे एक चेन लेके। चेन हमें इसी में लेनी होगी, कलर कॉम्बिनेशन बैठेगा तब पफ लेंगे। 1 2 3 4 5 5 लेने हैं हमें। एक पर फोड़ लेंगे 5 का ही, वन टू थ्री फोर फाइव, ये निकाल लेंगे इसमें से एक चेन, और अब कलर चेंज। इसको बैक साइड में इस तरह से हम कलर चेंज कर लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हैं स्टार्टिंग में, ये बनाएंगे, 3 चेन लेंगे अगले राउंड के लिए। इसको येलो वालों को टाइट करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये राउंड हमने
बना लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे ऐसा ही सेम। देखिए बैक साइड में ये थोड़ा लूज होना ज़रूरी है, ये देखिए खींचे नहीं जिससे, और इन्हें बैक साइड में ही रखना है। तो ये हमारा कलर चेंज करके बनाएंगे अब। ये दो डबल क्रोशे हैं स्टार्टिंग में और एंड में। अब हम एक चेन लेंगे और उसके बाद कलर चेंज करेंगे। कलर इधर ही होना चाहिए धागा। ये रूम साइड है हमारी, तो अब दो पफ बना लेंगे बीच में। तीन चार फाइव टाइम ही बनाने हैं, पाँच, आप चाहे तो चार, हल्के चाहिए तो चार बनाओ, और इससे ज़्यादा हैवी चाहिए तो आप पाँच भी बना सकते हैं। हमें इतना ही चाहिए मीडियम साइज़ में, तो हमने पाँच लिए हैं। फिर एक और बनाएंगे, एक चेन लगी है ऊपर, वन टू थ्री फोर फाइव, पाँच हो गए चेन। एक चेन लेके अब कलर चेंज करेंगे, धागा इधर ही रहेगा हमारा, ये रूम साइड है। अब जो बीच के तीन डबल क्रोशिए हैं वो बना लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे। ये वाला थोड़ा लूज होना चाहिए, थ्री डबल क्रोशिए बीच वाले, वन टू थ्री। अभी एक चेन, वापिस से कलर चेंज, दोनों को बनाएंगे अब यहाँ पर हम, वन टू थ्री फोर फाइव। एक चेन, वन टू, ये फाइव टाइम ही लेंगे हर बार, थ्री फोर फाइव। एक चेन और कलर चेंज। अब दो डबल क्रोशिए हैं हमारे लास्ट में, तो ये दो डबल क्रोशिए हम बना लेंगे। तीन चेन लेंगे अगले राउंड के लिए। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन आएगा। फिर ये देखिए छोटी वाला डिजाइन हमारा इस तरह से आएगा। इस तरह से हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे।
कलर चेंज। इस तरह से हम अपना पूरा तोरण कंप्लीट कर लेंगे। तोरण बॉर्डर ये रूम साइड में रखते हैं हमेशा। ये कलर चेंज हमें इस वाले चेन के बाद यहाँ पे ही करना होता है, और ये टाइट करनी होती है, फिर पब बनाना होता है। ये 5 टाइम ही होता है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। टू थ्री फोर फाइव, कलर चेंज करेंगे। एक चेन ले ली, ये बैग में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। अब 3 चेन, 1 2 3, नेक्स्ट राउंड के लिए। और येलो वाले को हम थोड़ा टाइट करेंगे, जब बनाएंगे येलो वाला तो वापस से टाइट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ही हमारा डिज़ाइन आता जाएगा और हम तोरण बॉर्डर बना लेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वाला डिज़ाइन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये देखिए।